चलो गाइस शुरुआत से स्टार्ट करते हैं गाइस कि ग्रैंड थे ऑटो 5 तुम लोग अपने डिवाइस में चलाओगे तो चलाओगे कैसे। तो सबसे पहले गाइस देख सकते हो जो गेम है हम लोग का ये रहा, एज यू कैन सी हमने के अंदर रख रखा है। और जो इसका तुम लोग को साइज मिलेगा गाइस, साइज तुम लोग देखो ये ओनली बस 60.6 GB का गाइस, देख रहे हो बस ओनली ऑन 60 इतना ही जी भाई, इतना साइज़ कहाँ होता है 100-150 GB का, तो ये गेम ही गेम है। तो इसके बारे में मैं तुम लोग को आगे बता दूंगा, क्योंकि भाई अभी वीडियो स्टार्ट ही हुआ है, पहले तुम लोग को ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा कि गाइस भाई एंड्रॉयड में GTA 5 चलाएं तो चलाएं कैसे। तो ये डिटेल्ड वीडियो है गाइस, डिटेल्ड वीडियो ठीक है। तो ये हम लोग का डाउनलोड फोल्डर के अंदर है, और ये देखो जो है तुम लोग जो हम रन करने वाले हैं GTA 5.exe है गाइस ये ठीक है, GTA 5.exe। अभी हम लोग आ गए यहाँ पे और हम लोगों को, तुम लोग और कुछ सर्च मत मारना, ये चीज़ सर्च मारना कि आ गया हम लोग का मोबॉक्स OLEGO2 ठीक है, मोबॉक्स OLEGO2 ऐसा कुछ लिख के गूगल बाबा में तुम लोग सर्च मार लेना, और उसके बाद तुम लोग को यही पेज मिल जाएगा ठीक है, यही वाला जो पेज है तुम लोग आ जाना। और इसके बाद पेज में आने के बाद तुम लोग को जो कुछ एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन मोनिटर CPU और माउस अपने मोबाइल के लिए डाउनलोड करना पड़ेगा ठीक है, मतलब मॉनिटर CPU और कीबोर्ड सॉरी। और ये आ गया गाइस सबसे पहले हम लोग का टर्मक्स एप्लीकेशन, तो इसको इंस्टॉल कर लेना अपने डिवाइस में ठीक है। इसको हमने इंस्टॉल कर लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इसको ये देखो ये रहा इंस्टॉल किया, और इसको इंस्टॉल करने के बाद तुम लोग बैक कर लेना, और यहाँ पे कुछ एक कोड है मोबॉक्स जिससे कि तुम लोग इंस्टॉल करोगे अपने डिवाइस में। कुछ इंस्टॉलेशन में गाइस कोई लफड़ा नहीं है ठीक है, बस मेरे को फॉलो करेगा तो तुम लोग हो जाएगा। वहाँ पे कोड कॉपी कर लेना, वहाँ से कोड कॉपी करने के बाद तुम लोग को टर्मक्स बॉक्स जो एप्लीकेशन है ओपन कर लेना इसको, और वहाँ पे तुम पहले यहाँ पे बैटरी यूजेज में आ जाना, उसको एलो बैकग्राउंड एक्टिविटी कर देना गाइस। इससे क्या होगा जी कि तुम लोगों का क्रॉस वाला बटन आता है ना और वहाँ पे स्टक हो जाता है, तो वो फिक्स हो जाता है उससे गाइस ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे टर्मक्स में, और टर्मक्स में पेस्ट करने के बाद गाइज ये हम लोग का, अब हम लोग को वेट करना पड़ेगा 10 to 20 minutes हम लोग को गाइज यहाँ पे वेट करना ही पड़ेगा ठीक है, 10 to 20 minutes अबव। तो उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे आगे क्या क्या इसके लिए चाहिए ये देखो, ये आगे गाइज हम लोग को एक परमिशन देना पड़ेगा, यहाँ पे गाइज तुम लोग को रुकना पड़ेगा ठीक है, 1 से 2 मिनट रुक जाना, परमिशन अलाउ कर देना। उसके बाद गाइस टर्मक्स X11 एप्लीकेशन ओपन कर लेना, ऐसा सेटिंग करना पड़ेगा गाइस तुम लोग को ठीक है। प्रेफरेंस में आ जाना, ये जो रिजोल्यूशन है इसको 1280 कर लेना रिजोल्यूशन को प्रेफरेंस में आने के बाद, और उसके बाद ये जो सेटिंग्स है जो सेम टू सेम मेरे जैसे तुम लोग को करना है, स्क्रीन डिस्प्ले स्ट्रेच, उसके बाद फोर्स लैंडस्केप अनेबल, ये सब ठीक है। मेरे को वीडियो को पॉज करके जो इतने भी सेटिंग्स हैं तुम लोग उसको फॉलो कर लेना। उसके बाद गाइज है हम लोग का देखो यहाँ पे, अभी गाइज ये जो है तुम लोग का इतना ही साइज़ का क्यों है देख सकते हो, ये इतना साइज़ तो होता ही नहीं है भाई नेट में, तुम लोग ने देखा होगा 100-150 से ऊपर ही जाता है, ये 60 का कैसे आ गया। तो ये के लिए ना गाइज तुम लोग को ये नाम लिख लेना ठीक है, ये नाम लिख लेना गूगल बाबा पे, नाम लिखने के बाद तुम लोग को रीलोडेड सर्च मारना है, नाम लिख लेना रीलोडेड सर्च मारना है, नाम लिखने के बाद रीलोडेड। तो अगर तुम लोग ऐसे सर्च मारोगे ना गूगल बाबा, तो गूगल का एक ऐसा चीज़ है कि तुम लोग को ना वही चीज़ दिखाएगा, वही चीज़ रिजल्ट शो करेगा जो कि उसका वर्किंग है ठीक है। तो वैसे ही 2-3 वेबसाइट वो दिखाएगा, तो तुम लोग को शुरुआत ही के वेबसाइट में क्लिक कर लेना है। उसके लिए कोई भी ऐप चाहिए तो फिर तुम लोग देख लेना, जैसे होता है ना टॉरेंट वॉरेंट जो भी होता है वो सब ठीक है। तो ये हमने वैसे ही लिया है 60 ओनली 60 GB और टॉरेंट से ऐसे कुछ करके, तो तुम लोग देख लेना गूगल बाबा तुम लोग को दे देगा। और उसके बाद गाइज हम लोग को यहाँ पे ज़रूरत होने वाला है, देखो इतना हम लोग का हो गया। अभी गाइज देखो अभी हम लोग का यहाँ पे मोबॉक्स एम्युलेटर जो है यहाँ पे इंस्टॉलेशन बता देगा कि हम लोग का जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सेस हो गया, डाउनलोडिंग भी कम्प्लीट हो गया, हमने फाइल भी सब चीज़ रेडी कर लिया। तो मोबॉक्स लिखना है, मोबॉक्स टाइप कर लेना इसके बाद मोबॉक्स। अब गाइज यहाँ पे क्या है कि कोई भी एडिशनल ई सिंक मोड या वी सिंक मोड हो गया कोई भी चीज़ तुम लोग को अनेबल करने का ज़रूरत नहीं, डिफ़ॉल्ट गेम चलेगा ठीक है गाइस, डिफ़ॉल्ट गेम, सेटिंग वेटिंग कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है ओके गाइस, डिफ़ॉल्ट गेम चलेगा। इन लोगों ने ना मोबॉक्स एमुलेटर को GTA 5 के लिए कन्वर्ट करके दिया है। तो इसका जो रिक्वायरमेंट है गाइस मैं तुम लोग को आगे बता दूंगा कि इसका डिवाइस रिक्वायरमेंट क्या है। फिलहाल के लिए ये जो एप्लीकेशन है इनपुट ब्रिज इसको इंस्टॉल कर लेना, और उसके बाद गाइस यहाँ पे ये कीबोर्ड है ऑन स्क्रीन में, कीबोर्ड टच स्क्रीन कैसे कंप्यूटर तुम लोग आओगे ठीक है। इसके बाद इसको ओपन करके जो मेरा प्रोफाइल कन्फिग है ना गाइस वो तुम लोग को डालना पड़ेगा यहाँ पे,
इंस्टॉल कर लेना। ये रहा मेरा कन्फिग, ये तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक वीडियो, उस वीडियो के पिंड कमेंट में तुम लोग को होगा मेरा प्रोफाइल जो हुई है, ऐसे कुछ तुम लोग को मिलेगा। उसको ऐड कर लेना और उसको ऐड करने के बाद उसको ओपन करना, इसमें ऐड कर लेना और उसके बाद क्या करना है तुम लोग को, इसको बस बैकग्राउंड में ऐसे छोड़ देना, ठीक है। बैकग्राउंड में हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे टर्मक्स एक सी लेवल एप्लीकेशन जब भी रेडी हो जाएगा तुम्हारा सब चीज़ इंस्टॉलेशन, डायरेक्टक्स इंस्टॉल हो गया। हाँ गाइस, अगर वहाँ पे अटक गया ना तो समझ लो तो कि तुम्हारा डिवाइस अभी सपोर्टेड नहीं है, ठीक है, ये समझ लेना डिवाइस सपोर्टेड नहीं है। और अगर डिवाइस सपोर्टेड नहीं है तो तुम लोग वेट कर लेना 1 से 2 महीने या तो 1 से 1.5 हफ्ते वेट कर लो, तुम्हारे डिवाइस में खुद ही आ जाएगा यार टर्मक्स बॉक्स जो है, कर्सर एक्स आ रहा होगा ना वो खुद ही फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आ गया गाइस, देखो ये तुम लोग को GTA जो भी है ये डाउनलोड फोल्डर के अंदर रखना पड़ेगा। किसी के पास PC नहीं है तो भाई PC अपने फ्रेंड से लो, उसमें इंस्टॉल करो पहले, ठीक है, रिलोडेड उसमें इंस्टॉल करो, फिर वहाँ से कॉपी कर लो डाउनलोड फोल्डर के अंदर। अभी देखो गाइस ये आ गया, हमने फोल्डर में यहाँ पे डाल दिया है ये, और अभी 60 GB का है ना अप्रोक्स, अप्रोक्स ओनली 60 GB। और यहाँ पे हमने इसके लिए गाइस हम लोग को एक चीज़ और है, यहाँ पे तुम लोग को ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये हम लोग वहीं पे तुम लोग को मिल जाएगा जो है गेम का डायरेक्टरी सबसे ऊपर वाले फोल्डर में, जो एप्लीकेशन है वो खुद ही दे देता है, हर गेम का यही बात होता है, खुद ही एप्लीकेशन दे देगा, यहाँ पे तुम लोग को मिल जाएगा। तो इसको तुम इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको डन कर लेंगे और फिर बैक में आने के बाद हम लोग अब रन करते हैं गाइस। यहाँ पे डिवाइस रिक्वायरमेंट मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि कौन कौन से डिवाइस में ये गेम बढ़िया चलने वाला है, रन कर रहा है और ये ऑफलाइन है, ठीक है गाइस, ये ऑफलाइन हम लोग को ऑफलाइन मिलेगा, फटाफट से क्या मस्ती है, कितना बढ़िया चल रहा है अभी बता, और क्या ही चाहिए, ठीक है गाइस। तो अभी फ़िलहाल के लिए स्नैपड्रैगन के लिए ये वाला गेम आया है, हाँ डायमेंसिटी के लिए भी गाइस आ गया है GPU ड्राइवर, ठीक है, अभी GPU ड्राइवर आया है बस डायमेंसिटी के लिए, कोई 2 GPU है, मैंने तुम लोग को ऑलरेडी मेरे पहले वीडियो में नहीं देखा तो देख लेना, तो वो अभी वहाँ पे वर्क में चल रहा है, तो हम लोग कुछ दिन बाद डायमेंसिटी में भी ये वाला गेम खेल पाएंगे। फिलहाल के लिए स्नैपड्रैगन इज़ परफेक्ट फॉर दिस गेम, स्नैपड्रैगन का 800 सीरीज़ है, बहुत बढ़िया चल रहा है स्नैपड्रैगन 860 865 870 बहुत बढ़िया वर्किंग कर रहा है। स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 है, काम चला हुआ है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 है ना गाइस, तो तुम लोग का बहुत बढ़िया अभी वर्क कर रहा है। तो उसके बाद आ गया हमारा स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, तो मतलब स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 उतना ज़्यादा कंपेटेबल नहीं है जितना 800 का सीरीज़ है, और नंबर सेकंड में 8 Gen 1 आ गया और नंबर थर्ड में 8 Gen 2 आ गया, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे हम लोग ने ये बता दिया कि यहाँ पे तुम लोग को डिवाइस कौन कौन सा चाहिए, ठीक है, स्नैपड्रैगन का सीरीज़ चलने डायमेंसिटी के में गाइस, ये क्या है मोबॉक्स सिमुलेटर, अगर तुम लोग चला भी लोगे ना तो 1-2 FPS चलेगा यार, अभी उसमें सपोर्टेड नहीं है। तो होप जो वीडियो है गाइस तुम लोग को कोई यहाँ पे चीज़ ऐसा कुछ बच ना गया, अगर बच गया तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता देना है, तो कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करके बता देना कि भैया प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो होप जो वीडियो है गाइस प्लीज़ लाइक करके वीडियो को कर देना गाइस शेयर अपने उन फ्रेंड्स को जो GTA 5 खेलते